सो हे व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाइपर आजा गेमिंग। टुडे वी आर प्लेइंग अगेन मैक अरीना। गाइज आज हम दो पावरफुल मैक्स का वर्सेस कराने वाले, एक है अपना पैंथर और एक है अपना गार्डियन। दोनों ही मैक्स लेवल के हैं और इस वर्सेस को एकदम फेयर बनाने के लिए मैं दोनों पे सेम वेपन एंड सेम पायलट का यूज करूंगा गाइज। और बात करें रूल्स की तो एकदम सिंपल है, मैं दोनों मैक्स से एक एक गेम प्ले करूंगा एंड जिस मैक्स से मैं ज्यादा किल्स अचीव करूंगा ना गाइज वो अपना विनर होगा। पहले ही बता दूं ये वर्सेस सिर्फ फन के लिए है, आपको इसे सीरियसली नहीं लेना है। दोनों ही मैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है ये बात हम सब जानते हैं। सो चलो गाइज और टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं बैटल में और वर्सेस शुरू करते हैं। सो गाइज यहाँ पे अपना फर्स्ट बैटल जो है शुरू हो चुका है एंड सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूँ गार्डियन। गार्डियन के ऊपर गाइज देख सकते हो मैंने डबल रॉयल गन 16 इक्विप किया है और पायलट में अपना आर्क एंजल है एंड ये तीनों मतलब अपना वेपन हो गया, मैक हो गया और पायलट हो गया, तीनों मैक्स लेवल के है। और सबसे पहले तो हम कैप्चर करेंगे क्योंकि सीपीसी है तो एटलीस्ट एक कैप्चर करना तो बनता है। तो जल्दी से मैं कैप्चर कर लेता हूँ एंड ये लो कैप्चर भी हो गया। अब चल के मैक्स की बैंड बजाते हैं एंड ये गार्डियन भाई इसकी स्पीड में क्या ही कहूँ। वेल जो भी हो यहाँ पे सामने मुझे एक मैक दिख रहा है, चलो इसी से शुरू करते हैं। ये सर्ज है, इस पर अटैक करते हैं गाइज और ये लो अपना फर्स्ट ब्लड हो गया। मैं यहाँ पे एक बार चढ़ जाऊँ अच्छे से, ये एकदम परफेक्ट जगह है किल्स निकालने के लिए इस वाले मैप में। और ये अपना सेकंड किल, यहाँ पे एक मैक है, रुक जाओ मिस हो गया, अब मारते हैं। और ये थर्ड किल, यहाँ पे हमारे पूरे तीन किल हो चुके हैं और अभी तो मुझे कोई मैक दिख नहीं रहा है, चलो थोड़ा वेट करते हैं। और ये देखो सामने से एक मैक आया, इस पर अटैक करेंगे और अब मारते हैं इसे। रुक जाओ बच गया, एकदम थोड़ी सी एचपी में रह गया है लेकिन वो अब पीक नहीं दे रहा है तो कैसे मारूंगा मैं उसे। इस वाले को मैक को मारी क्या? नहीं, इसे तो बाकियों ने मार दिया। वेट क्या हो रहा है ये, मैं किल्स नहीं निकाल पा रहा हूँ। चलो एक किल मिला यहाँ से और इधर देखो इस साइड से गाइस मैक्स आ रहे हैं, इस पर अटैक करते हैं और ये अपना डोमिनेटिंग कंप्लीट। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और देखो सामने से अभी मैक्स स्पॉन हो रहे हैं। असल में सीन कुछ ऐसा है, ये बॉट जो है ना मेरी टीम के, इन लोगों ने रश कर दिया था और मोस्ट ऑफ मैक्स को मार दिया है, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे मैंने 6th किल निकाला और अब देखो तीन तीन बॉट्स आ रहे हैं वहाँ से गाइज, तो एक को मारते हैं, अनस्टॉपेबल मिला। यहाँ से एक सर्ज है, इस सर्ज को भी मारना है लेकिन इधर सामने भी तो तीन मैक्स है ना, उनको भी देखना पड़ेगा। पहले इस बैस्टियन को मारते हैं और ये लो बैस्टियन का किल कंफर्म। इस सर्च को अब मारना है हमें, एक हिट मैंने मारा बट मरा ही नहीं वो, मेरे को लगा था एक हिट से वो मर जाएगा। वेल अब तो कुछ कर नहीं सकते, मुझे गेम पे और ध्यान देके और किल्स निकालने पड़ेंगे गाइज। वहाँ बगल से ब्रिक हाउस है पर मैं सोचा हूँ पहले इस वाले मैक को मारूँ, कि इस ब्रिक हाउस को ही मार दे पहले इसे मारते हैं। ये लो दो हिट और ये थर्ड हिट में इसका किल कंफर्म, रैम्पेज मिल गया, अब गॉड लाइक करना है। इस ब्रिक हाउस को मारते हैं और एक और हिट, ये लो गाइस अपना यहाँ पे गॉड लाइक हो चुका है, 10 किल्स कर लिया हमने गार्डियन से। अब बस गाइस मुझे गार्डियन से इस मैच में मैक्सिमम किल्स करने का ट्राई करना है। गॉड लाइक तो कर लिया है हमने, यहाँ देखो एक बैस्टियन है और एक ब्रिक हाउस है। इस बैस्टियन की एचपी कम है बट उसके ऊपर शील्ड भी लगी है, कोई अगर उसका शील्ड तोड़ दे तो मैं मार सकूं उसे। और यही मौका है और ये लो किल मिल गया, स्मैकडाउन कंप्लीट। मेरे नीचे एक ब्रिक हाउस है, उसे बाद में देखेंगे, पहले इस सामने वाले मैक को मारते हैं। मैंने उसे दो हिट मारे, एक और हिट लग जाता तो उसका खेल खत्म हो जाता। इस सर्च को मारो और एक और स्मैकडाउन, अब इस वाले मैक को मारना है गाइज। बट यार ये किल मेरा चुरा लिया बाकियों ने, यार ऐसा मत किया करो। और इधर देखो गाइज एक और ह्यूमिलेशन हमको मिला है एंड अभी मेरे ठीक सामने एक सर्च है, रॉयल गन रिलोड हो जाए बस एक बार और अब मारते इस सर्च को। थोड़ा बाहर निकलते हैं और इस सर्च का काम तमाम। गाइज हमको नेमेसिस मिल चुका है, हम स्टिल अभी बहुत सारे मैक्स स्पॉन हो रहे हैं, मतलब हम और किल्स निकाल सकते हैं। चलो यार पूरा ध्यान दे किल्स निकालने पे। और मुझे मेरे सामने दो मैक्स दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक इधर है। पहले इस वाले को मारते हैं और स्मैकडाउन मिल गया, अब इस वाले को मारना है लेकिन उधर एक बैस्टियन है वो उसको मार देगा। यार शिट ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं थोड़ा भागता हूँ लेकिन ये लो भाई मैच ही अपना कंप्लीट हो गया। सो गाइज यहाँ पे हम लोग ये बैटल हो चुके विक्ट्री और अपना गार्डियन हो चुका है एमवीपी विथ ओवर 15 किल्स। और अब बारी है हमारे पैंथर की। As you can see guys, अपना सेकंड बैटल भी यहाँ पे शुरू हो चुका है और अब हम यूज करेंगे अपना पैंथर। ये रहा भाई अपना पैंथर विद डबल रॉयल गन 16 और इसकी ये स्किन क्या ही कहे, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है आजकल ये स्किन। आप सभी को कैसा लगता है कमेंट में जरूर से बताना। अभी चल के फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैप्चर करना है बट मेरे सामने तीन तीन मैक्स है। अरे ये दोनों ही कैप्चर कर लेके भाई मैं क्या ही करूंगा, चलो छोड़ो हम कैप्चर करने की जगह डायरेक्ट चलते किल्स निकालने। और पैंथर को जीतने के लिए गार्डियन से ज्यादा किल्स निकालने होंगे। मैं पहले अपना इधर बैरियर डालता हूँ और देखते हैं किल्स निकाल पाते कि नहीं। इधर मैक्स पहला किल, दूसरा किल और ये तीसरा किल, तीन तीन मैक्स को उड़ा दिया है गाइस मैंने यहां आते ही। और एक और मैक को भी उड़ा देता लेकिन मरा नहीं है एक हिट में, चलो दूसरा हिट मारेंगे। और ये लो चार मैक्स को गाइस मैंने बैटल शुरू होते ही मार दिया है, जलवा है यार तुम्हारे भाई का। चलो अब मैं फिर से यहाँ पे बैरियर डालता हूँ और भाई आ जाओ बॉट्स बाहर आओ। यहाँ देखो एक बॉट है, इसकी एचपी कोई कम करे थोड़ी सी तब मैं मारूं।
और इसे मारते हैं। लो ये भाई एक हिट में गया, डोमिनेटिंग मिल चुका है। अब इस वाले बॉट को मारते हैं और 6 किल हो गए अपने। बहुत ही सही जा रहा है बैटल, हमने तो आधे ही धूम मचा दिया इस मैच में। और देखो एक और मैक है जिसकी HP हाफ है, पहले बैरियर डालते हैं और अब इसे मारते हैं। एक हिट में मरेगा, चलो मैंने 2 हिट मार दिया, अनस्टॉपेबल मिल गया। यहाँ पे एक और मैक है गाइज, लेकिन अब मारते नहीं, बाकियों ने मार दिया इसे। अब चलो देखे गाइज के आसपास और मैक्स है क्या। यहाँ से एक रेडॉक्स आया, चलो इस रेडॉक्स को ही मारते हैं। और ये लो इस रेडॉक्स का काम तमाम, स्मैकडाउन। इधर से एक और मैक, शिट मेरी HP, मेरी ऑलमोस्ट पूरी HP चली गई। तू रुक भाई, तेरे को अभी बताता हूँ। ये ले रैम्पेज कंप्लीट। और यहाँ पे एक और मैक है, और ये लो अपना 10th kill भी हो गया। गाइज मेरी HP अभी सिर्फ 3000 रह गई है। अरे यार पैंथर मर सकता है यार ऐसे में तो, और अभी सिर्फ 10 किल हुए हैं। ये दिक्कत वाली बात है, मुझे अब पूरी तरह से कवर पे रहना है। पैंथर इतनी बुरी हार तो हारेगा नहीं। फिर से चलो फाइट बैक करते हैं। यहाँ पे एक मैक है, मैंने कंटिन्यू फायर किए और ये लो स्मैकडाउन, ये किल मिल गया। इधर एक और मैक है, इसे भी मारेंगे। थोड़ा पेशेंस रखते हैं गाइज, हमारी HP बहुत कम है, हमको धैर्य रख के सब करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में करेंगे तो पैंथर मर जाएगा, क्योंकि इसकी HP ऐसी है ना, कोई बंदा इसको टच भी कर दे तब भी ये मर जाएगा, इसकी HP इतनी कम है। यहाँ से एक मैक है और ये लो मैंने इसे मार दिया, नेमेसिस कंप्लीट हो चुका है। गाइज मुझे पूरी तरह से बचते हुए खेलना पड़ेगा। और ये लो एक और नेमेसिस, मैंने दो नेमेसिस कर लिए यहाँ पे पैंथर से, और अभी भी बहुत सारे मैक्स है। अरे भाई पैंथर तू मर मत जाना, मैं अपना बेस्ट दूंगा, तू भी भाई अपना बेस्ट दे। और ये लो ये रहा मैक और एक और नेमेसिस, 3 नेमेसिस हमने अचीव कर लिए है। और इतनी कम HP होने के बाद हम लड़ रहे हैं देखो अच्छे से। और यहाँ पे देखो और मैक्स है, ये थोड़ा सा बाहर निकले, इसका एक भी हिट मुझे नहीं लगना चाहिए। और ये लो मैंने इसे मार दिया गाइज, और ऊपर सारे मैक्स क्लियर दिख रहे हैं, कोई है कि नहीं। अब मैं रश करता हूँ और लेट्स सी कि हाँ एक मैक दिखा, चलो इसे मारते हैं। अरे रेडॉक्स एक किल मुझे लेने दे, लेकिन नहीं यार ये बॉट्स बात कहाँ सुनते हैं, वैसे सुनेंगे भी क्यों। तो चलो गाइस हम लोग ये बैटल भी विक्ट्री हो चुके हैं, और पैंथर से हमने कितने किल्स किए, 15 किल्स। अरे मैच ड्रॉ हो गया भाई। सो गाइज मैक्स पैंथर एंड मैक्स गार्डियन के बीच के वर्सेस का जो रिजल्ट है वो है एक ड्रॉ, दोनों के बीच में टाई हो गया ये वाला मैच, क्योंकि दोनों ने 15 किल्स किए थे ना। एंड अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है गाइज, कुछ जरूरी चीजें बाकी है यार, वो तो सुन लो। तो सबसे पहले तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, लाइक के मैं रखता हूँ 500 लाइक्स का। एंड आई नो गाइज कि आप सभी ये एम कंप्लीट करा दोगे। एंड कमेंट में जरूर से बताना आपको गार्डियन पसंद है या फिर पैंथर। देखो अगर गार्डियन पसंद हो तो पर्पल हार्ट कमेंट करना, एंड पैंथर पसंद हो तो ब्लू हार्ट, एंड मुझे तो दोनों ही पसंद है यार। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।